नमस्कार, मैं एस एस रामन सीतारामन एस आई आर टीम मिशन MDRT 508 के तरफ से आप सबको जो है आज 21 मार्च 2024 को आप सबको जो है वेलकम करना चाहता हूँ। आज हमारा 12th सेशन है और जैसे ही आप जानते हैं जो कंटिन्यूसली हम जो है हर साल पिछले 4 साल से जो है प्रयत्न कर रहे हैं और इस साल का जो है ये 12वां सेशन है। ये 12वां सेशन का जो है हम लगभग जो है और 10 दिन बाकी है मार्च के एंड में, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है हम चाहते हैं तकरीबन जो है जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य के ऊपर आपको 2 से 3 सेल्स टिप्स दें। ये प्रयत्न करके हमारा टीम ने जो है ये PPT बनाया है और ये PPT जो है आपको YouTube का लिंक भी मिल जाएगा, PPT का भी लिंक मिल जाएगा। आप अगले 10 दिन में इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपना सेल्स में और अपना सेल्स को बढ़ाइए और जितने जल्दी हो सकता है अपना इनकम को दूना तिगुना कीजिए। और आज का सेशन का शुरुआत करवाने के लिए आपका अपना आशर जो है हेमंत आशर को बुलाना चाहूँगा। मिस्टर हेमंत आशर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज थर्सडे आपके आपका दिन, आपका स्पेशल दिन आपके लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मिशन MDRT 508 हमने स्टार्ट किया था, ये किस लिए स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था इसका? इसका एक ही पर्पस है कि आपकी इनकम जो है वो अभी जो थी उससे डबल होनी चाहिए, और अगर डबल है तो आपका MDRT कंप्लीट होना चाहिए, COT की तरफ जाना चाहिए, COT की तरफ चाहिए। दोस्तों, ये हमारा प्रयास पिछले 3.5 4 साल से चल रहा है और काफी अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। हमारे सारे सेशंस जितने भी है अभी तक, वो सारे के सारे सेशंस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। हमारा चैनल का नाम है फाइनेंशियल फ्यूचर्स। ये सभी चैनल प्रोग्राम्स आपके लिए फ्री हमने अरेंज किए हुए हैं। तो दोस्तों, हम इस इंडस्ट्री के जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको हम प्रेजेंट करते हैं, उनको हम एक चांस देते हैं आपके साथ रूबरू होने के लिए और आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों, इसी श्रृंखला में बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं और अभी आगे भी लेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है किरीट सर, किरीट सिंघाड़ा सर, और उसके साथ में है श्री रमेश बीजापुर सर जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, श्री महेश मेश्राम सर जो हमारे जो एक्स ब्रांच मैनेजर थे, हाल अभी मापसा गोवा में है, गोवा ब्रांच में SBM है। और दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है श्री तात्या शेवाड़े सर और अभय कुलकर्णी सर। ये सभी लोग जो है ये हमें फुल सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज के इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट स्लाइड है सर, आप प्लीज, ये लास्ट वाला आ गया सर। क्रेडिट सर वाला दिखाना था। दोस्तों, ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं ये हमारे क्रेडिट सर का स्लाइड है। इसमें कुछ प्रोमोज इनके अवेलेबल है, जो एजेंट्स स्टार्टर किट है, मिनी कॉम्बो सेट्स है, पैकेजेस है, प्रेजेंटेशन सेट्स है, ये सारी चीजें जो है स्पाइरल बुकलेट्स है, ब्रोशर्स है, फेस्टिवल कार्ड्स हैं, ये सभी चीजें आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मिल सकती है और आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर आपसे शेयर करना चाहूंगा, 9820938 34, श्री सिंघाड़ा सर, 9820938 34। आप डायरेक्टली उनसे बात करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी जो स्पाइरल बुकलेट्स है वो हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें कुछ 500 लीफलेट्स है और जीवन उत्सव के बारे में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस इन्होंने बनाए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर, बैक टू यू सर। हाँ सर, अगले हफ्ते का जो स्पीकर है हमारा ही टीम मिशन MDRT 508 के तरफ से ही रहेगा, क्योंकि 28 मार्च, क्योंकि अभी 28 मार्च को हम सिर्फ जो है कुछ टिप्स देंगे जो आपका पेपर्स कैसा क्लोजिंग होना चाहिए और कैसा जो है आपका लमसम डिपॉजिट है
उसको कैसा यूटिलाइज करना चाहिए, और जो आपका डिवीजन जोनल और जो है सेंटर में जो भी पेपर्स गया है उसमें कुछ क्वेरीज निकला तो हाउ टू डू फास्ट, मतलब कैसे आप उसको जितने जल्दी हो सकता है रिक्वायरमेंट्स को फीड करके कंप्लीट करें, वो सब जो है थोड़ा टिप्स जो है आपको नेक्स्ट वीक का इसमें देंगे। कम से कम आप मैक्सिमम अपना बिजनेस को बढ़ाने का जो टिप्स है वो इस हफ्ते में रहेगा, ठीक है ना आशा जी? डिस्क्लेमर, दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फील्ड फोर्सेस। द टाइटल्स कंटेंट्स प्रोनाउंसिएशंस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। द फिगर्स एंड प्रोजेक्शंस मेंशन्ड आर अंडर द करंट सीनेरियो एंड कैन चेंज, एंड इट इज नॉट गारंटीड फॉर एनी प्रोडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज जो है हम, मैं और आशा जी आपके साथ बात करने वाले हैं, तो हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है, आपके साथ जो है हम जर्नी में आपके साथ है, आपका जर्नी में हम साथ है, हमारे जर्नी में आप लोग साथ है, इसलिए ज्यादा इंट्रोडक्शन के जो है इस पे हम ज्यादा समय को नहीं निकालेंगे। जो है आज का सब्जेक्ट रहेगा आशा जी, मैक्सिमाइज बिजनेस लाभ ही लाभ। जो है मार्च में अपने को जितने मैक्सिमम लोगों को मिला के मैक्सिमम अप्रोच करके मैक्सिमम कितने जल्दी 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 लोगों को पहुंच के अपना इंफॉर्मेशन दे के जितना हार्वेस्ट करना है, जो पिछले 1 साल का जो मेहनत है तो उसको रंग लाना है, तो उसके हिसाब से कुछ जो एडिशनल जो टिप्स है वो हम देने जा रहे हैं, तो वो एक एक जो टिप्स सब कुछ होने के बाद लास्ट में जो है आशा जी कंक्लूड करेंगे। तो देखिए सबसे जो है फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स क्या है, अपना जो है बीमा का इस पे अगर आपको सक्सेस चाहिए आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च मतलब आपका जैसा लोग दूरबीन से जो है दूर की चीजें देखते हैं, अपना प्रॉस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग को देखना पड़ेगा आप किसके पास आसानी से पहुंच सकते हैं। जितने जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं उतने जल्दी आपका अपना बीमा का व्यवसाय बढ़ेगा। तो एक तो आपने सर्च कर लिया, पुराना कस्टमर्स को रिव्यू कर लिया, पहचान वाले को जो है अपने लिस्ट में ले लिया, दोस्तों को ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन लेने के बाद आपका लिस्ट में आ गया, रजिस्टर में आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उधर जो है पहुंचना पड़ेगा, पहुंच के उनके पास जो है कटकटाना पड़ेगा, उनका दरवाजा कटकटाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। आशा जी हमेशा कहते हैं जो मिलता है उसको मिलता है करके, तो दरवाजा कटकटाने के बाद आपको अपनी बातचीत को सामने रखना पड़ेगा। क्या सामने रखना पड़ेगा, मार्च में पॉलिसी लेने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरा बेशक 12th मंथ में पॉलिसी ले रहा है उसका पूरा साल का बोनस अकुमुलेट हो रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और 1 साल पहले बैक डेट करने का चांस मिलता है। ये कई जो उपाय है मार्च में पॉलिसी लेने के वजह से एज का डिफर कर सकता है। सपोज किसी का जो है एज जो है दिसंबर में उसका जन्मदिन आता है, उसका 6 महीना पहले जो है अप्रैल में करने के कारण उसका एक उम्र कम होता है, एक उम्र कम करने के कारण 1 लाख रुपए में प्रीमियम में तकरीबन जो है 60 to 70 rupees कम होता है। अगर 10 लाख का पॉलिसी लेता है 750 रुपया कम होता है, सिर्फ इस साल नहीं पूरा मतलब उसका 20 22 25 साल जितने साल का लेता है। ये सब आप समझाएंगे ना एक अलग तरीके के अप्रोच हो जाएगा, ना करना जरूरी है। तीसरी चीज आस्क, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, जो मांगता है उसको मिलता है, मतलब ये जो है तीन जो है गुरु मंत्र, ये भी जो है हमारा गुरुवर जो है श्री संजय गुरनानी साहब ने सिखाया है हमको, तो सबसे पहले हम इसी को आपके सामने रख रहे हैं, आपका खोया हुआ चीज को ऊपर जाके पहुंचिए, दरवाजा कटकटाइए और मांगिए, जितना ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये 3 मजबूत रूल है जो
इसका जो है अगले जो है आपको 31 तारीख तक छोड़ने नहीं है, और कम से कम आपको रोज जो है आपका कैपेसिटी है रोज 5 आदमी का मिलने का, तो उसको दूना तीना चौगुनी कीजिए, कम से कम 20 लोगों के पास पहुंचिए। आपका जो प्रोपोर्शन है 5 से 1 मिलता है, 20 के पास पहुंचेंगे तो कम से कम 3 तो मिलेगा। अगर अगले 10 दिन में अगर 30 पॉलिसी भी आप क्लोज करते हैं, यू आर गोइंग टू वंडरफुल जॉब, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम के और पूरा साल के लिए फाउंडेशन डाल दिया। ठीक है, अभी हम आते हैं विषय पे। हमने पिछले हफ्ते में जो है हमने पूरा इसके ऊपर बात किए थे, किसके ऊपर, जीवन लक्ष्य के ऊपर, टारगेट गारंटीड इन ऑन फर्स्ट डे, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन इस किस्म से है, जो है कन्यादान बोल के एक कोई पॉलिसी नहीं है एलआईसी में, कन्यादान एक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में एक मूल्य मंदिर मैं देना चाहता हूँ। किसी लड़की का अगर शादी के लिए अगर उनका पेरेंट्स एक टारगेट अमाउंट रख रहे हैं, किसी बेटी का शादी उनका जो है माँ बाप रख रहे हैं 50 लाख, तो वो क्रिएट करना चाहते हैं 50 लाख रुपया जो है उसका बेटी का शादी के लिए मूलधन जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपना कंसेप्ट क्या है, सेव एंड क्रिएट, बाकी जगह पर क्रिएट करके क्रिएशन किया हुआ पैसे में मतलब आपको सेव करना पड़ता है, यहाँ पर जो है तो पहले दिन क्रिएट कर लेते हैं। फिर पहले ही दिन क्रिएट क्या किया, बेटी का शादी के लिए 50 लाख, और समय क्या है, अभी बेटी तो जन्म हो के मतलब 6 महीना भी नहीं हुआ, और उन लोग जो है तय किया है 25वें साल में उसका बेटी का शादी करेंगे, तो इसका मतलब 25 साल में अगर हम उसको प्रीमियम बताते हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब नर्वस होता है, उसका जगह पर हम बोलते हैं सर आपका बेटी का शादी बढ़िया हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, 50 लाख का सिर्फ 2%, 50 लाख का 2% क्या हो गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, इस 1 लाख में आपने जो है अपना बेटी के लिए आप सेव किया, तो आपको जो है 50 लाख रुपीस जो है आपको 22 साल पेमेंट करना है और 50 लाख मिल जाएगा। तो अगर जैसा जैसा रिड्यूस होता है टर्म, 24, 23, 22, मतलब बेटी का शादी और उसका एज के मुताबिक अगर समय कम होता है, आप 0.25, 0.25, 0.25 ऐड कर दीजिए परसेंटेज में। उदाहरण के लिए अगर 25 ईयर्स गैप है 2.25 कीजिए, 23 है तो 2.5, इसी जो है इसमें जाएंगे लगभग 20 ईयर्स के लिए मतलब तकरीबन 3%, 3.25%, ऐसा आप करेंगे तो आपको विदाउट सीइंग एनी ऐप आप जो है जल्दी जल्दी प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं। ये एक जीवन लक्ष्य का जो है एक ये है। तो दूसरा जो चीज है, कोई भी पॉलिसी नहीं ले रहा है उसके बाद भी आप जो है उनको बोलिए ये मार्च महीना है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है ना, चिंता मत कीजिए, रोज का कम से कम 20 रुपया में भी आप सेव करेंगे, महीने का 600 रुपया हो गया, साल का 7,200 रुपया हो गया, इसमें भी आपको जो है चाहत के मुताबिक मैं पॉलिसी आपको दे सकता हूँ। इसलिए उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 914 नंबर एंडोमेंट प्लान 25 साल का 2 लाख का दे सकते हैं, हमको देखने के लिए रोज का 20 रुपया लग रहा है, और 933252 मतलब 25 साल का 22 साल के लिए आपको जीवन लक्ष्य भी 2 लाख का दे सकते हैं, पॉलिसी रोज का 20 रुपया है, लेकिन वो दे रहा कितने, देखिए मेच्योरिटी 5 लाख रुपया। इस चीज को आप समझ गया तो आप मार्केट में कुछ न कुछ पॉलिसी जो है बेच सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने मनी बैग का भी उदाहरण दिया है, सबसे बड़ी चीज, बड़ा कस्टमर, बड़ा प्रीमियम, बड़ा कमीशन। आप बताइए, आपको ऐसा कोई नहीं है सभी एक किस्म का कस्टमर मिलेगा, बड़ा कस्टमर मिलेंगे ना, उनको बोलिए आपको है ना 1 करोड़ रुपीस, एक मैजिक पेयर, 1 करोड़ रुपया सर आज ही गारंटी है, आपको कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 13 साल, और 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते ही आप 5 लाख रुपया महीने महीने जो है 40,000 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 महीने में 1,20,000 भी कर सकते हैं,
ईसीएस में भी कर सकते हैं, 6 महीना का भी, एक साथ भी, और आपको 60 लाख का उसी दिन मालिक हो जाएंगे। और 13 साल में आप 60 लाख रुपया जमा करेंगे और 3 साल आपको आपसे हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और 16वां साल कदम होते ही पूरा 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। और मैं बोलता हूँ सर, जिस दिन आपने ये पॉलिसी ले लिया, आपका जो है सपना का सौदागर, आपको आपका परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना है, वो गारंटी हो गया पहला ही दिन से। अगर वो व्यक्ति पूछता है भाई कैसा गारंटी हो गया, बोला सर आपको मैंने 16 साल का पॉलिसी दे रहा हूँ, आप 13 साल भर रहे हैं और 16 साल 1 करोड़ ले रहे हैं, ये नंबर 1 कंसेप्ट है। नंबर 2 कंसेप्ट ऐसा है, जाने अनजाने में जो है आपके जिंदगी के साथ अगर कोई किलवाड़ा हो जाता है नेचुरली, मतलब यहाँ पर डेथ का शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, किलवाड़ा हो जाता है, तुरंत जो है नामनी के नाम पर पॉलिसी शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही बोलिए शिफ्ट हो जाएगा, नामनी को कोई प्रीमियम नहीं भरना है, वो प्रीमियम LIC टेक केयर करेगा। उसके अलावा नामनी अपने बच्चे के साथ सर्वे करने के लिए 6 लाख रुपया हर साल देगा और आखिर में 1 करोड़ भी देगा। और यही कारण जो नहीं होना चाहिए दुर्भाग्य चीज जो है एक्सीडेंटली हो जाता है, तुरंत 60 लाख मिलेगा और साथ में हर साल 6 लाख रुपया होगा और प्रीमियम भी नहीं भरना और 1 करोड़ भी मिलेगा। और चौथा जो है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट का भी बताइए। ऐसा जो है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान जो है लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप, HNI, अल्ट्रा HNI, सभी के लिए जो है एक अट्रैक्टिव है, क्योंकि मेच्योरिटी गारंटीड इन ऑन फर्स्ट डे। ये पॉलिसी को समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचिए और जो है आपको ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करने का एक मौका मिलेगा। तो एडवांस बुकिंग के बारे में भी पिछले बार हमने बता दिया था और बॉडीगार्ड के ऊपर भी हमने पिछले बार बता दिया था, आप पिछले बार का वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी ये बॉडीगार्ड के ऊपर 2 लाइन बताता हूँ। अगर आपको हर कोई पॉलिसी के लिए मना कर रहा है, LIC नहीं चाहिए, अरे भाई आप तो मतलब क्या, उनको सिर्फ इतना बोलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी मत लीजिए, आप अपने घर का रखवाला करने के लिए कोई ना कोई गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कोई कोई तो मतलब डाग वगैरह भी मतलब ये करते हैं, तो आप ऐसे ही जो है अपना अपना परिवार का प्रोटेक्शन के लिए ऐसा ही एक बॉडीगार्ड रखिए। वो आपका जिंदगी के साथ भी अगर किसी कारण से आपको आपका जिंदगी के साथ आपत्ति होता है, आपका परिवार के साथ भी वो बॉडीगार्ड रहेगा। तो वो बॉडीगार्ड का जो है समय आप कम से कम 13 साल से ज्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। अगर सामने वाला बोलता है मेरे को 25 साल के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, तो उनसे आप ऐसा भी पूछ सकते हैं ठीक है आपको 25 साल के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, आप उसको महीने का तनख्वाह कितना दोगे? अगर वो बोलता है मेरा तो भाई 5 हजार ही दे सकता हूँ, इसका मतलब 60 हजार दे सकता है, और उसने तो 25 साल का मांगा है, डायरेक्ट आप 12 लाख का पॉलिसी प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो बॉडीगार्ड का बोलता है मैं 10 हजार दे सकता हूँ, तो 25 लाख का पॉलिसी दे सकता है। मतलब आपको फटाफट मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आना चाहिए और वो जितना मतलब बॉडीगार्ड को महीने का तनख्वाह देने का हिसाब बोलता है उसके मुताबिक समर शूट को प्रोवाइड करना आना चाहिए। मतलब तकरीबन तकरीबन 1 लाख का अगर 25 साल के लिए लेता है तो 4 हजार रुपये आपका ऐसा करके चल जाएगा। ऐसा करके बॉडीगार्ड का कंसेप्ट में भी आप जीवन लक्ष्य को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जीवन लक्ष्य के बाद अभी उत्सव में आते हैं। उत्सव ऐसा एक जो है बहुत बढ़िया जो है हजारों कोटी कलेक्शन हो गया विद इन 3-4 मंथ्स में। ये जो है फिक्स डिपॉजिट ऑन EMI, फिक्स डिपॉजिट ऑन EMI, ये कंसेप्ट में आप ये जो है इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने पास दो लैमिनेशन रखिए और कस्टमर के पास एक लैमिनेशन को सामने रख के बोलिए हमारे पास जो है
एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, ईएमआई में आप कर सकते हैं। तो वो कैसा है जो है, ये जो है हमको अविनाश पटेल साहब ने सिखाया है, ट्रेनर ने, वो आपके सामने रख रहे हैं। जो है उदाहरण के लिए आपको 15,000 रुपया महीने का आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, ईएमआई दे सकते हैं। तो पहला ही दिन आपका एफडी का अमाउंट हो जाएगा 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया का फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 15,000 रुपया देते ही हो जाएगा, और साल में आप 1,80,000 रुपया भरेंगे। 16वें साल में आपका जो है पूरा पैसा किस्त कदम हो जाएगा। आपका जो है 30 लाख से लेके ये 16 साल में 31,20,000 से बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के 49,20,000 आपका एफडी का अमाउंट हो जाएगा। वो एफडी का अमाउंट एलआईसी के पास रहेगा, और उसका बदले में आपको लाइफ टाइम गारंटीड 3 लाख रुपीस 19th ईयर से टैक्स फ्री मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। और साथ में एक लीगेसी आपका परिवार के लिए 49,20,000 निरंतरता रहेगा आपका लाइफ के बाद। ये 49,20,000 रुपया टैक्स फ्री आपको परिवार को मिलेगा। सर, आपको समझाने के लिए तो मैंने 15,000 रुपया का ईएमआई का समझाया। आप चाहें महीने का 20,000, 25,000, 30,000, जैसा चाहते हैं वैसा शुरुआत कर सकते हैं। अगर कस्टमर थोड़ा सा मतलब इनकम ग्रुप में लो में आते हैं, तो वहां पर आपने रिवर्स करना है। सर, भाई साहब, आपको समझाने के हिसाब से तो मैंने 15,000 का समझाया। आप चाहें तो आप महीने का 10,000 से, 5,000 से कम 2,500 से भी अगर शुरुआत करते हैं, तो आपका लेटर रन जो है आपका बुढ़ापे में कम से कम साल का 50,000 तो पेंशन गारंटीड लाइफ टाइम मिलेगा। उसके अलावा आपका 8,20,000 का इंश्योरेंस कवर भी परमानेंटली बिना पेमेंट का, आपका बाएं हाथ से जो है आपको पेंशन मिलेगा, दाहिने हाथ में आपका इंश्योरेंस कवर भी साबुत रहेगा। ऐसा करके जो है ये 10% जो है लाइफ टाइम रिटर्न गारंटीड का जो है एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट में आप पॉलिसी दे सकते हैं। सबसे आसान, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, कल से ज्यादा लोगों को मिलना। मिलने के लिए क्या है, आप दो ही चीज पूछ सकते हैं। भाई साहब, आपको एटीएम मशीन चाहिए क्या? एटीएम मशीन चाहिए क्या? वो पूछेगा क्या एटीएम का मशीन, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है। एटीएम मशीन आज तक किसी ने बेचा नहीं, हम बेचने जा रहे हैं। कैसे बेचने जा रहे हैं भाई? एटीएम मशीन का मतलब क्या है? एटीएम मशीन पेपर एटीएम मशीन है। आपको 5 लाख का एटीएम मशीन चाहिए, 10 लाख का एटीएम मशीन चाहिए, 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए। अगर वो बोलता है मेरे को दो भाई 50 लाख का एटीएम मशीन चाहिए, या 60 लाख का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए। अगर 1 करोड़ का एटीएम मशीन चाहिए तो इसका मतलब वो बड़ा आदमी हो गया। अगर 1 करोड़ का एटीएम मशीन चाहिए उसने बोल दिया, आपको घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि अगर 1 करोड़ का एटीएम मशीन मांग रहा है तो आपको 16 साल उसमें को पेमेंट करना है। समझ लीजिए उसको 6 लाख रुपया मांगना है महीने का, 50,000 रुपया महीने का। 50,000 रुपया का हिसाब से आप साल का 6 लाख रुपये देंगे, और 16 साल देने के बाद 19वें साल से आपको 10 लाख रुपया गारंटीड लाइफ टाइम मिलेगा। ये 1 करोड़ रुपया का एटीएम मशीन का बात है। अगर वही आदमी कम से कम 5 लाख का एटीएम मशीन मांग रहा है और समय मांग रहा है 16 साल, आपको 5,000 रुपया लगेगा। ये बिल्कुल राउंड फिगर है। 5 लाख के एटीएम मशीन के लिए मतलब 2,500 रुपया, 5 लाख का एटीएम मशीन के लिए 2,500 रुपया महीने का, 10 लाख का एटीएम मशीन के लिए महीने का 5,000। ऐसा 2,500, 2,500, 2,500 रुपया आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा। मतलब कम से कम एटीएम मशीन मंथली 5 लाख, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, आपको 2,500 मंथली ईएमआई। और ये जीएसटी के वो तो अलग है, लेकिन आप इतना है प्रमोट करने के लिए, 2,500 रुपया में 5 लाख रुपया का एटीएम मशीन पेपर एटीएम मशीन मिलेगा, 5,000 में 10 लाख का। ऐसा करते 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 आपको एटीएम मशीन जैसा डिमांड होगा उसका मुताबिक प्रीमियम होगा, उसका मुताबिक जो है 10% आप
एटीएम मशीन का कीमत का उसका पेपर एटीएम हम दे रहे हैं और उसका 19वीं साल से उसको मिलेगा। अगर कोई बोलता है मेरा 16 साल 19 साल लंबा पीरियड है तो उसको 12 साल का दो। अगर और भी कोई बोलते हैं मेरे को तो इतना मतलब लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, अपने पास तो 5 ईयर से जो है अपना एटीएम मशीन को हम दे सकते हैं, उसका कैपेसिटी होना चाहिए प्रीमियम देने का। 5 ईयर्स मिनिमम प्रीमियम पे टर्म 5 ईयर्स है, मैक्सिमम 16 ईयर्स है, प्लस 3 ईयर्स डिफर्ड पीरियड है। ये इतना चीज आप याद रखेंगे तो मार्केट में खेल सकते हैं। आपको याद रखना है मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म, मिनिमम प्रीमियम टर्म 5 ईयर्स, मैक्सिमम 16 ईयर्स, और कम से कम उम्र 90 दिन, और ज्यादा से ज्यादा उम्र आप जो है 60 तक दे सकते हैं। तो ये सब जो चीज रखे, और ये जो है उमंग उत्सव को बेचने के लिए कई कंसेप्ट है, लेकिन ये दो कंसेप्ट में हम यहाँ पर काम रहे हैं। नेक्स्ट, अभी उमंग, क्योंकि हमने देख लिया है, लक्ष्य भी देख लिया है, उत्सव भी देख लिया है, क्योंकि उमंग का भी बोलबाला है। क्यों बोलबाला है? पिछले 3 साल से उमंग के वजह से हम लोग ने मार्केट को पकड़ के रखा था। जिन्होंने उमंग अभी तक नहीं लिया वो आपको बुला के उमंग मांग सकता है, या आप जब पहुंचेंगे तो वो कहीं छूटा हुआ आदमी रहेगा, वो बोलेगा मेरे को उमंग दो। तो उमंग का जो है सीधी सी बात है, अभी तक 8% किसी ने भी मतलब प्रूव नहीं किया, फिर भी पॉलिसी बिक रहा है। अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन ने एजेंट को बोला इसमें तो 5% भी नहीं मिलता, 5.25% भी नहीं मिलता, फिर भी लिया। क्यों लिया है? आने वाला दिनों में इंटरेस्ट रेट जब 2, 3, 4% रहेगा, ये गारंटीड टैक्स फ्री रहेगा ना, एक बहुत बड़ा रिटर्न है। फिर भी मैं आपको देसी तरीके से इसको 11% गारंटीड जो है आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा जो है समर शुड है वो अपना परचेस प्राइस है। जो इंश्योरेंस में हमको जो समर शुड मिल रहा है वो परचेस प्राइस है। परचेस प्राइस का मतलब क्या? समर शुड है, क्योंकि जिस दिन हम पहला प्रीमियम देते हैं हमारा समर शुड हमारे लिए गारंटीड हो जाता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का समर शुड गारंटीड है, इसका मतलब वो हमारा परचेस प्राइस है। उदाहरण के लिए मैं देसी तरीके से आपको समझाता हूँ, आम का आम, गुटली का दाम। अभी हम एक ग्राहक को 15 लाख का जीवन उमंग 15 साल के लिए देने के लिए जा रहे हैं, उनको आसानी से समझाने के लिए बोलते हैं भाई साहब हमारे पास ये एक आम है, इस आम का कीमत 15 लाख रुपया है, इस आम का कीमत 15 लाख रुपया है, इसका परचेस प्राइस 15 लाख रुपया है। अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप 15 लाख रुपया दे के ले सकते हैं, क्योंकि आपको तुरंत उपयोग करना है। अगर आपके पास 15 लाख रुपया नहीं है तो आपको ईएमआई में लेना पड़ेगा। ईएमआई में कितना है? महीने के 10,000 रुपया। महीने के 10,000 के हिसाब से आप 1,20,000 रुपया देंगे, और 1,20,000 के हिसाब से 15 साल में सर आप पे कर रहे हैं 18 लाख रुपया लगभग। आम का कीमत तो 15 लाख रुपया, परचेस प्राइस तो 15 लाख रुपया है, लेकिन आपने दिया है 18 लाख रुपया। क्यों दिया मालूम है ना सर? आप आम आम का जो परचेस प्राइस है वो 15 लाख रुपया दिया आपने, जो अंदर जो गुठली है जिस आम को पकड़ कर रखा है खराब होने नहीं देता है, ये 15 साल आगे आने वाला 100 साल उम्र तक, आपका 100 साल उम्र तक ये आम को पकड़ के रखा है खराब होने नहीं देगा, तो इसके लिए आपने 3 लाख दिया है। लेकिन वो 3 लाख भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप आम के लिए 15 लाख रुपया दिया है उसके लिए 8% गारंटीड टैक्स फ्री मिलेगा। 15 लाख का 8% कितना है? 1,20,000 रुपया सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक या गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री पेंशन। और जो 3 लाख रुपया आप गुटली के लिए दिया है उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 3% जो है आपका आम का अकाउंट में अकुमुलेट होते जाएगा आपका लाइफ टाइम 100 साल उम्र तक या जब तक जिएंगे। और जो अकुमुलेटेड अमाउंट है ना सर उसको हम लॉयल्टी बोनस बोलते हैं,
या तो गुटली का दाम का 3% समझ लीजिए, वो आपको अपना जो है नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे लीगेसी मिलेगा। तो आम का दाम के लिए आपको मिला 8%, गुटली के लिए मिला 3%। 3% भी गारंटी है सर, 8% भी गारंटी है, 8% भी गारंटी है, 3% भी गारंटी है, टोटल 11% गारंटी है। इस हिसाब से हम बता के जीवन उमंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो जीवन उमंग को प्रमोट करने के लिए और भी बहुत कंसेप्ट है। जहां जहां आपको ग्राहक मिलता है, थ्री जनरेशन 3G कंसेप्ट का इसके ऊपर भी आप पॉलिसी, मतलब बच्चे के नाम पर पॉलिसी करना, पिताजी को जो है ये करना, तो वो सब जो है आप जानते हैं, पहले बहुत बार बताया हुआ है। और सीजन का कंसेप्ट से, सीजन का कंसेप्ट कैसा है, मतलब विंटर सीजन, रेनी सीजन और समर सीजन। सर ये अभी विंटर सीजन हमने 25-30 साल तक अपने माँ बाप के इस पे रह गया, अभी हम कमा रहे हैं। ये जो है मनी पोरिंग सीजन है, अभी बरसात हो रहा है पैसे का। पैसे के जब बरसात होते हैं तो हम पानी को सेव करते हैं, किस लिए सेव करते हैं, गर्मियों में वो काम आ जाए। ऐसे ही अभी हम कमा रहे हैं, अपना बुढ़ापा गर्मियों का दिन है, गर्मियों का सीजन जैसा है, वहां पर कमाई नहीं होता है, वहां पर अपने को जो है एक रेगुलर टैक्स फ्री इनकम, जैसा ही जो है बैंक का शटर खुला और अपना 1 तारीख को अपना अकाउंट में पैसा आया। तो ऐसा जो चीज है, मनी एट वर्क होना चाहिए। तो सीजन के कंसेप्ट में भी आप उमंग को बेच सकते हैं। तीसरा मेजरिंग टेप कंसेप्ट है, अभी इसको जो है प्रैक्टिकली मतलब ऑडियंस के सामने बताना पड़ता है या कस्टमर के सामने बताना पड़ता है। ये कई जो है अभिकर्ता हमको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो हमको या तो आशा जी को डायरेक्ट फोन करके जान सकते हैं। और ओन सैलरी कंसेप्ट, ओन सैलरी कंसेप्ट का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम और ओन सैलरी कंसेप्ट, ये दोनों मिलके एक कंसेप्ट में आता है। आपको एक इंसान का अपना मैप बताओगे उस समय जो है, बिल्कुल तीन त्रिकोण है, एक तीन त्रिकोण है जो गायकवाड़ साहब ने, अतुल गायकवाड़ ट्रेनर ने समझाया है। मैन एट वर्क, मैन जब से काम करना शुरू करता है 25 या 30 साल उम्र से, उसको इतना सेव करना चाहिए, इतना सेव करना चाहिए 60 साल उम्र तक, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसका मनी एट वर्क हो जाना चाहिए, उसका कमाया हुआ पैसा उसको 61 साल उम्र से, वो पहले जितना तनख्वाह या जितना वो लाइफस्टाइल से रह रहा था उसका मुताबिक पैसा देने के लायक उसके पास जो है पैसा इतना इकट्ठा हो जाना चाहिए, जो कि वो जब तक जी रहा है वो और उसका वाइफ किसी के ऊपर ना डिपेंड रह के वो जीने का प्रबंध करें, उसको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम कंसेप्ट एंड ओन सैलरी कंसेप्ट बोलते हैं। जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, जो व्यक्ति जिस दिन अपने आप को तनख्वाह देने के लायक बन जाता है उसी दिन उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है करके बोलते हैं। उसी दिन से वो खुद को सैलरी दे रहा है। 60 साल उम्र तक तो किसी ने किसी के पास सैलरी किया, नौकरी किया या प्रोफेशन किया, जो भी किया है, लेकिन 61 साल उम्र से जब उसका इनकम बंद होता है, लेकिन खुद का इनकम देने के लायक से उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। अगर डिपेंड रहा तो वो भी आप ग्राहक को समझ लो, आपको डिपेंड रहना पड़ा तो वो दिन जो है किसी को ना आए। या तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा या तो चैरिटी के ऊपर रहना पड़ेगा। इसलिए जो है फोर सी इकोनॉमी, फैमिली इकोनॉमी के ऊपर आपको कमाते वक्त ही ध्यान रखना पड़ेगा। फोर सी इकोनॉमी क्या है? क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम। ये 4 C को सर आपको ध्यान रखना है, तो मैं जो बोलता हूँ वो उसके मुताबिक आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम गारंटी टैक्स फ्री इनकम करने के हिसाब से, विथ लाइफ इंश्योरेंस के साथ। साथ साथ में तो आपको ये मालूम है, लाइफ कवर इंक्रीज होता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम पैसा छोड़, ये 7-8 कंसेप्ट से भी आप उमंग को प्रमोट कर सकते हैं। अभी लाभ में आते हैं, लाभ में हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, सीधा जो है एक फेमिलियर कंसेप्ट है,
ये पूरा जो है भारतवर्ष में जो है आपको पूरा फैला हुआ है। इसके मुताबिक आप जाएंगे बहुत आसानी से, इसका भी लैमिनेशन कर लीजिए। समझाने वाले को 1 लाख रुपया का फंडा समझाइए और लेने के हिसाब से उसको प्रमोट कीजिए। कैसा प्रमोट करना सर? आपने किसी को भी आप अप्रोच किया, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर उससे पॉजिटिव आंसर मिला तो फर्दर आप उससे बात करने का आसान हो जाता है। किसी को आप नॉन पर्सन या अननोन पर्सन से मिले और उनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा आपने, सर आपका बैंक में अकाउंट है क्या? अगर बुरा नहीं माना तो आप थोड़ा बताइए। वो बोलते हैं हाँ बैंक में अकाउंट है, क्योंकि भारतवर्ष में 100% के ऊपर लोगों के पास बैंक में अकाउंट है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, LIC में भी एक अकाउंट है, उस अकाउंट का नाम लाभ अकाउंट है, उसके बारे में आपके पास कोई चर्चा किया क्या या इन्फॉर्म दिया क्या या मालूमात किया क्या? एक ही चीज को 3 बार बोलिए, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेस्मराइज करना पड़ता है, सेल्स इज अ मेस्मराइज। तो आपने पूछा तो वो बोला नहीं बताया, क्योंकि लोग जो है जीवन लाभ को लेके घूम रहे हैं। हम लाभ अकाउंट, लाभ मतलब अपन को पैसा मिलने वाले को बोलते हैं लाभ। तो सर ये लाभ अकाउंट के बारे में मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट आपको बताऊंगा, आपको अच्छा लगे हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगे कोई कंपल्शन नहीं, लेकिन आपके साथ हमारा रिलेशनशिप बरकरार रहेगा, ये मेरा वादा है। हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को एक कंफर्टेबल जोन में ला रहे हैं, उसको लगेगा यार ये मेरे को है ना कुछ मतलब जबरदस्ती देने नहीं आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है, वो भी मेरा मर्जी है बोलता है, चाहे तो ले लो नहीं तो मत लो करके। तो सुनने में क्या जाता है, इतना देर तो सुन लिया 2 मिनट और 3 मिनट सही, सुनने के लिए लोग तैयार है, सुनाने के लिए आप तैयार है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं सर? अगर आपका अच्छा लगे तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, अपना रिलेशनशिप रहेगा। सर ये लाभ अकाउंट कुछ भी नहीं है, उदाहरण के लिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करना है 16 साल, 16 साल में आपने अपना लाभ अकाउंट में 16 लाख रुपया निवेश किया, साथ ही साथ LIC भी आपका लाभ अकाउंट में 1 लाख का हिसाब से 16 साल निवेश करेगा 16 लाख रुपया। आपने निवेश किया 16 लाख रुपया, LIC ने निवेश किया 16 लाख रुपया, 32 लाख रुपया हो गया। अभी तो एक मैजिक शुरू होने वाला है सर, अगले 9 साल आपको 1 रुपया भी निवेश करने की जरूरत नहीं, आपका पक्ष का 1 लाख रुपया, LIC अपने पक्ष का 1 लाख रुपया, टोटल 2 लाख रुपया, लगातार 9 साल आपका लाभ अकाउंट में LIC निवेश करेगा टोटल 18 लाख रुपया। अभी देखिए क्या हुआ, आपने तो सिर्फ 16 ही लाख रुपया निवेश किया, LIC ने अपने तरफ से 16 लाख और 18 लाख, ऐसा करके पूरा 50 लाख रुपया आपको टैक्स फ्री मिलने वाला। और मैं चाहता हूं सर इतना बोल के तुरंत, अगर ग्राहक लगता है अच्छे पैसा वाला है, मिडिल इनकम ग्रुप अपर मिडिल इनकम ग्रुप, तो शुरू कर दीजिए सर। मैं समझाने के हिसाब से तो लाभ अकाउंट 1 लाख का समझाया, अगर आपका लाभ अकाउंट आप चाहते हैं तो 1 लाख से शुरुआत करवाना चाहते हैं, 3 लाख से, 5 लाख से, 8 लाख से, 10 लाख से, ऐसा नंबर को जिगजाग करो, वो कहीं ना कहीं हाँ करेगा, क्योंकि इसलिए जो है नंबर्स जहां जो है टम्बलिंग होता है वहां पर आदमी के ह्यूमन साइकोलॉजी पे कोई ना कोई एक नंबर बोलने का आदत होता है। आप किसी को भी चलते फिरते किसी भी एक आदमी को पकड़ के आप बोलो 10 में 1 नंबर बताओ, वो बेशक आपको नहीं जानता है फिर भी 1 मिनट रुक के बोलेगा 5। ऐसा ही जो है आपने तो लाभ अकाउंट के बारे में पूरा रुचि बताया, 16 लाख में 50 लाख रुपया मिलने वाला, और यहाँ पर पूछा आपका लाभ अकाउंट 1 लाख से, 3 लाख से, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख बताया, उसने गलती से कम
2 लाख भी बता दिया, आपका सीधा 40 लाख का पॉलिसी हो गया और उसका 1 करोड़ का मेच्योरिटी हो गया। 2 लाख का मतलब आपका 70,000 रुपये कमीशन हो गया, और 15 पॉलिसी बेचने पे आपका MDRT हो गया। ठीक है, ये तो बात रहा। अभी कस्टमर मिला आपको रिवर्स ऑर्डर पे, लो लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप, वहां पर पूरा आपका डायलॉग को, लास्ट डायलॉग को रिवर्स करना। भाई साहब, आपको समझाने के लिए तो मैंने 1 लाख रुपया का लाभ अकाउंट समझाया। आप चाहें तो आपका लाभ अकाउंट 1 लाख से शुरुआत कर सकते हैं, 50,000 से, 25,000 से, नहीं तो कम से कम। आपसे नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे बड़ा अमाउंट का। 12,500 से तो शुरुआत कर ही दीजिए, ऐसा कह के अपने को लाभ अकाउंट के जरिए जीवन लाभ को बेचना चाहिए। ये भी विवरण पूरा जो है स्टार्ट में दिया है, 1 लाख का, 50,000 का, 25,000 का। जो है FD जो है लाभ FD, हम इसमें कंफ्यूज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी 25 साल लंबा बोलता है तो उसको 21 साल का आप पॉलिसी दे सकते हैं FD कंसेप्ट में। अगर वो भी उसको ज्यादा लगता है तो 16 साल का RD कंसेप्ट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, कंसेप्ट में आप जीवन लाभ को दे सकते हैं। और सबसे जो है बड़ा बड़ा काम करना है, इस जो है पैम्पलेट को आप लैमिनेशन कर लीजिए, सीधा बोलिए मैं 1 करोड़ रुपया आपको देना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो 1 करोड़ रुपया देना चाहता हूँ वो आपको कब चाहिए, 25वें साल में, 21वें साल में या 16वें साल। अगर वो बोलता है मेरे को 25वें साल में चाहिए, तो नंबर 3 क्वेश्चन आपका होगा, सर आपने तो पूरा 25 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए बोल रहे हैं, उस समय आपका उम्र क्या होगा। अगर वो बंदा बोलता है मेरा उम्र उस समय 65 होगा, 65, इसका मतलब 25 साल के बाद उसको 65 एज में 1 करोड़ चाहिए, तो आज का परसेंटेज 40 है, तो आपने सीधा 40 का टेबल में जाना है, 25 16 का प्रीमियम देखना है। हम उसको बोलना है भाई साहब बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अप्रिशिएट करो, आपका मात्र जो है महीने का 16,000 रुपया प्रीमियम देना है, और वो भी 16 ही साल देना है। जिस दिन आपने 16,000 दिया उसी दिन मैं आपको 38 से 40 लाख का मालिक बना दूंगा, और 16 साल आपको हफ्ता देना है, 9 साल हम आपसे हफ्ता नहीं लेंगे, LIC खुद भरेगा। पूरा 25 साल होने के बाद आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपया टैक्स फ्री आपको सूटकेस में लगा के दे देंगे। इस हिसाब से जो है तीनों प्लान को एक ही समय एक ही पैम्पलेट में रखे। अगर कोई बोलता है मेरे को 16 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको उम्र पता करना, हफ्ता बताना है, कोशिश करना है क्लोज करने का। तो इस हिसाब से जो है 25 16, 21 15, 16 10 बेचने का भी तरीका है। तो मैंने बताया किसी किसी को जो है बहुत जल्दी पैसा चाहिए लगता है, वो भी बड़े पैसे वालों, उनको रेट से कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं, उनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, वो कोई भी हिसाब किताब नहीं करता है। आप पहुंचा है इसीलिए वो पॉलिसी भी करते हैं, और अच्छा प्रीमियम भी देते हैं, अच्छा प्रीमियम देते हैं तो आपका अच्छा कमीशन भी मिलता है। मान लेते हैं ये मार्च में आपको किसी ने एक पैन कार्ड में मैक्सिमम 5 लाख रुपया दे सकता है विदाउट इनकम टैक्स, टैक्स फ्री रिटर्न लेने के लिए। अगर किसी ने बोल दिया ठीक है मेरे को शॉर्ट टर्म में टैक्स फ्री रिटर्न लेना है, बोलता मेरा पैन कार्ड के मुताबिक 5 लाख का प्रीमियम का एक पॉलिसी दे दो, लेकिन मुझे जल्दी पैसा चाहिए, तो आप 5 लाख प्रीमियम का जो भी है ना तकरीबन 60 लाख का पॉलिसी बनता है, 60 लाख सम इंश्योर्ड का पॉलिसी बनता है। ठीक है, 60 लाख का पॉलिसी बनता है, आप 50,000 रुपया 10 साल में देंगे, और अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़ 16 ईयर्स में हो जाता है, अप्रॉक्सिमेटली लगभग। अगर लगभग जो है 95 लाख भी होता है कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो बंदा 30%, जो आदमी 5 लाख 10 लाख रुपया दे रहा है ना, वो 30% टैक्स ब्रैकेट, और सीधा उसने वाइट कर रहा है 1 करोड़ को टैक्स फ्री रिटर्न।
तो उसको फायदा ही फायदा है। ये जो है टैक्स फ्री रिटर्न, टैक्सेबल रिटर्न में थोड़ा आप लोग स्टडी करो, स्टडी करने से पिंच करने में, प्रमोट करने में आसान रहेगा। जो अमाउंट 1 करोड़ रुपीस टैक्स फ्री मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 1 करोड़ 35 लाख, क्योंकि जब टैक्सेबल इनकम में 1 करोड़ आदमी कहीं देता है, उसका हाथ में तो 65 लाख ही बच रहा है। तो ये चीज को आपको माइंड में रख के सामने वाले से बात करना पड़ेगा। ऐसा जो है 5 5 लाख का, 5 पैन कार्ड वाला, 6 लोग मिला या 7 लोग मिला, आपका MDRT हो। और कंक्लूशन करने के पहले जो है, ये जो फाइनेंशियल फीचर्स का जो है, ये सब कुछ चल रहा है, हम लोग जो है काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब है ना बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप लोग जितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। ये चीज को याद रखिए, और आप लोगों का अपना दोस्तों को बताइए। और दूसरी चीज, जब भी कोई भी डाउट यूट होता है, आप सीधा आशा जी से संपर्क कर सकते हैं, और आशा जी टाइमलेस आपको जवाब देने के लिए सबेरे 5:45 बजे से 11 बजे तक तैयार रहते हैं। तो उसका लाभ उठाइए आप। तो अभी हमारा टारगेट है 8,000 सब्सक्राइबर अप्रैल 20 तारीख तक होना चाहिए, तब जाके हम लोगों को काम करने में एक उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना करने के पहले मैं आशा जी से मतलब स्वीट एंड शॉर्ट कंक्लूशन के लिए बुलाना चाहूंगा, मिस्टर हेमंत आशा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू दोस्तों, हमने आपको प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस को लेते हुए आज का ये सेशन में हमने कोशिश किया है कि आपके लिए जो है ये प्रेजेंटेशन हो, लाभ, उत्सव और उमंग, ये तीनों प्लान्स के ऊपर। दोस्तों, क्लोजिंग का टाइम है, सिर्फ 10 या 11 दिन बचे हैं। इस 10 और 11 दिन में आपको जो है वो अपना हर टारगेट के पास नजदीक पहुंचने के लिए ये हेल्पफुल होना चाहिए। जैसे क्लब मेंबरशिप के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं, गैलेक्सी क्लब के लिए भी 10 दिन बाकी है। आप अपना टारगेट अपने सेल्स डिपार्टमेंट से जाके कंप्लीट करने के लिए देखिए कितना बाकी है, कितना कर सकते हैं, कितना हो सकता है। दोस्तों, ये 10 दिन में जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपको एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएगा, आपका MDRT की तरफ नजदीक हो जाएगा। 100 पॉलिसी शतकवीर होने में कितना बाकी है और हायर क्लब स्टेटस के लिए कितना बाकी है, ये सारी डिटेल्स आपको अपने सेल्स डिपार्टमेंट से लेके आगे उसके ऊपर स्टडी करके ये 8 10 दिन में कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, वो है कि 29th को गुड फ्राइडे होने की वजह से बैंक हॉलीडे होगा, तो 29, 30, 31, 30 तारीख को सैटरडे है, वो भी फोर्थ सैटरडे क्लोजिंग है, और संडे तो खैर बंद ही रहती है बैंक, तो 29, 30, 31 बैंक्स बंद रहेंगे। तो इसके लिए आपको अपना जो भी प्लानिंग करना है वो ये 3 दिन को छोड़ के करना है, और ध्यान में रहे कि आपके अगर कोई भी बड़े केसेस हो तो वो आप डिवीजन ऑफिस को कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करें। दोस्तों, कैश डिपॉजिट्स अलाउड है, BOC कर सकते हैं। आप अगर बड़ा चेक देंगे तो वो चेक क्लियर होते होते बहुत टाइम जाएगा, और उस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास उतना वक्त नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई बड़ा चेक मिलने वाला है तो उसको आप डिमांड ड्राफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर LIC का URL नंबर लेके डायरेक्ट डिपॉजिट करवाने की कोशिश कीजिए। आनंदा के थ्रू भी आप बड़ा प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का कंक्लूजन तो बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ऑलरेडी आपसे पहले भी शेयर हुई है और आज भी शेयर हो गई है। दोस्तों, ये जो अपना आज का सेशन का मेन पॉइंट था, वही मैं बुलेट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले था कि आपको सर्च करना है, नॉक करना है और आस्क करना है। सर्च करना है मतलब दूरबीन दिखाया था हमने आपको कि कैसे आपको प्रोस्पेक्ट को ढूंढ के उसके दरवाजे तक पहुंचना है, और उसके साथ सवाल जवाब करते करते आपको क्लोजिंग की तरफ उसको लेके जाना है। दोस्तों, बैक डेटिंग का एडवांटेज आपको लेना पड़ेगा। बैक डेटिंग सिर्फ
और सिर्फ मार्च महीने में मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि हम पिछले अप्रैल तक पक्का बैक डेट ले सकते हैं। दोस्तों इस बैक डेटिंग का एडवांटेज आप और भी एक तरीके से ले सकते हैं, जिसे मैं काफी यूज कर चुका हूँ, और उसका है कि 22 जनवरी का आप डेट दे दीजिए, 22nd जनवरी 2024। ये क्या है स्पेशल डे? ये प्राण प्रतिष्ठा दिवस था अयोध्या का। ये हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आने वाला है, पिछले 500 साल में नहीं आया था और आगे भी नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके कस्टमर का पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट 22 जनवरी होगा, तो वो एक लाभदायक इश्यू हो सकता है, एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। सो बैक डेटिंग का ये एडवांटेज भी आप दिलवा सकते हैं। और हमने देखा कि लक्ष्य को जो है हमने कन्यादान पॉलिसी के ऊपर कैसे हमने किया है, सेव एंड क्रिएट का कंसेप्ट दिया है, 20 रुपये मात्र, 20 रुपये पर डे, जो 20 रुपये में चाय का कप भी नहीं मिलता है कुछ कुछ जगह पे, तो उस का एडवांटेज आप लेके पॉलिसी कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। एक और बात थी, 1 करोड़ की गारंटी। आप 1 करोड़ की गारंटी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य में दे सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य में मैच्योरिटी इज गारंटेड। और उसको बॉडीगार्ड कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बेचना है वो भी हमने आपसे शेयर किया। कुछ कॉन्सेप्ट थे जैसे मैंगो कॉन्सेप्ट था, मैंगो एंड सीड कॉन्सेप्ट, और लाभ का आरडी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जैसा कि रमन सर ने आपको बताया, मेरा जो टाइम अवेलेबल है आपके लिए, स्पेशल टाइम फॉर एजेंट्स, सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक मैं आपको साथ अवेलेबल रहूंगा, और आपके हर डाउट्स, हर क्लियर गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे हर चीज मालूम है, लेकिन कुछ चीजें अगर मुझे मालूम नहीं भी रहेगी, तो मैं रमन सर से या हमारे और बाकी सीनियर्स से बात करके आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। दूसरों इस जगह पे मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारा ये जो मिशन है, इसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, यानी मेरे और रमन सर के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने हैं, ताकि ये जो अवेयरनेस है, ये जो हमारा प्रयास है इनकम डबल करने का प्रयास है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवांटेजेस होना चाहिए। मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं रिपीट करूंगा, 9850429955। आपका अपना आशर, 9850429955, और रमन सर का नंबर 9371016300, 9371016300। आप हम में से किसी को भी फोन कर सकते हैं और अपना गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों एक जाते जाते एक कंसेप्ट आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, वो है एक आजकल की डेट में जो रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर्स का, वो है कि सर ग्रेच्युटी और पेंशन के साथ अगर कुछ मिल सकता है तो बताइए। तो हम उनको बताते हैं कि आपके ग्रेच्युटी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ये तीनों आपको हम दिलवा सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने तो 2005 से बंद कर दिया है, लेकिन हमारे पास, हमें अथॉरिटी दिया है आपको ये तीनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। वो कैसे होगा? तो आपको उस कस्टमर को तीन पॉलिसी देनी है, एक है जीवन लाभ, एक है जीवन लक्ष्य, और एक आप उत्सव या तो उमंग दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य का पॉलिसी है वो ग्रेच्युटी का काम करेगा, और जो लाभ का पॉलिसी है वो पीपीएफ का काम करेगा, और उत्सव या उमंग जो भी आप देंगे वो पेंशन का काम करेगा। आप तीनों का कंसेप्ट समझ लीजिए, एक कोटेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपसे आपको उसको हेल्प करूंगा आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और हम वादा करते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग करेंगे, ताकि आपका ये जो मार्च का क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाए। अगले साल से बहुत ही अलग कंसेप्ट से हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा, और हमारा नंबर जो है, हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों गुड नाइट, शब बखैर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट थर्सडे। जय हिंद।